नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं गोंदिया न्यूज अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की। अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम ग्रामीण रुग्णालय में आयोजित किया गया। आयोजित शिविर की अध्यक्षता सांसद अशोक नेते ने की। इस अवसर पर पूर्व विधायक भेर सिंह नागपुरे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष विजय शिवनकर, जिला परिषद सदस्य हनवत वत्ती, पंचायत समिति सदस्य सुनंदा उके गौतम, नोहर पारधी मडावी, घनश्याम अग्रवाल, यशवंत मानकर, नरेंद्र बाजपेयी, राकेश शेंडे, पिंटू अग्रवाल, उत्तम नंदेश्वर, काशीराम हुकरे, राजू पटले, मोहिनी निर्बाते एवं डॉक्टर भाग्यश्री शिंदे आरोग्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम का दीप पूजन कर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद नेते ने आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर देश में सभी ग्राम तालुका में सभी नागरिक स्वास्थ्य हों, इस ध्येय को लेकर देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी से जन आरोग्य शिविर के द्वारा मुफ्त में आरोग्य लाभ हेतु आयोजन का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान भारत योजना जनता के लिए वरदान साबित हुई है। केंद्र सरकार ने अनेक योजना के माध्यम से जनता की सेवा का संकल्प पूरा कर रहे हैं। आयोजित शिविर के माध्यम से जनता ने स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, यह मत नेते ने व्यक्त किए। ये कोविड 19 च्या काळात अतिशय चांगले काम केले। त्या लोकांना अजूनही म्हणजे बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ 2 वर्षापासून तर त्यांना म्हणजे वेळेवर पैसे भेटत होते। म्हणजे कसे तरी त्यांनी आपलं सेवा केली आणि आपल्या कुटुंबाचं त्यांनी पोट भरलं मॅडम। पण आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की 3 महिन्यापासून अजूनही पैसे मिळाले नाही, काय करावं, कसं करावं, आत्महत्या करायची काय, आणि आमच्याकडे पेमेंट 3 महिन्यापासून मे फेब्रुवारी ते आजपर्यंत पैसे मिळाले नाही, हे आरोग्य सेवकांचं मागणे आहे, माझ्याकडे पत्र आहे, त्याच्यामुळे याकडे लक्ष घाला। काही अडचणी असेल तर मला सांगा, मला माहीत आहे की स्थिती काही बरोबर नाही। आम्ही काही आता याच्यात ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, करा, आपण याच्यात मदत करू तुम्हाला। संक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।